अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ सैटरडे और आज मैं घर पे हूँ, छुट्टी बना रही हूँ। अभी अभी ब्रेकफास्ट बनाया, सॉरी ब्रेकफास्ट बनाते हुए मैं शूट नहीं कर पाई एक्चुअली, बस बना लिया। व्हाट इज, चलें बन गया है, अब नाश्ता कर लेते हैं। हो सकता है कि मैं अभी कुछ काम से बाहर निकलूँ तो वहाँ पर भी शूट करेंगे, बट अभी हम पहले सबसे पहले करते हैं नाश्ता। डाइनिंग टेबल पर बैठ के नाश्ता करने में, दोबारा बोलूँ, डाइनिंग टेबल पर बैठ के नाश्ता करने में कुछ पराया पराया सा लगता है। हम लोग तो सब साथ में एक साथ बैठ के यहाँ ना बेड पे नाश्ता कर रहे होते हैं। तो चले, अब मैं नाश्ता कर रही हूँ और इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करती हूँ। सही है, निकल रही हूँ किसी काम से और भाई छोटा है साथ में, तो जाते हैं और फिर आप लोग भी चलो मेरे साथ, आप लोग भी हो मेरे साथ। मैं मोबाइल लेके जा रही हूँ, शूट करना है मुझे, तो चले फिर निकलती हूँ। कुछ ग्रॉसरी आइटम्स कुछ लेने थे ज़रूरी, और चले मिलते हैं फिर। ठीक है, और मैं निकल रही हूँ। तो जनाब ड्राइव कर रही हूँ, निकल गए हम लोग, छोटा भाई है साथ में। और ऐसा हुआ है कि वो जो मैंने एक मुसीबत ली थी, खरीदी थी, जो मैंने ब्लॉगिंग शुरू की तभी लिया था, वो गाड़ी का जो स्टैंड था, और वो अभी आके मैंने उसको सेट करने की कोशिश की तो वो टूट गया। पता नहीं ये कैसी चीज़ें बेच रहे हैं लोग, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। अभी हफ्ता हुआ होगा उसको, 7-8 दिन हुए होंगे और वो टूट गया। खैर चलें, अब क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अब मैं उसको एक चीज़ को लेके फिर दोबारा जाऊँ, फिर उनके सर पर खड़ी होना पड़ेगा कि ये क्या हुआ भाई, ये वो फलाना। अब छोड़ें, चलो अब हो गया, वो एक नुकसान हो गया मेरा बिला वजह का। चलें, अम्मी को कुछ चीज़ें मंगवानी थी और हमें आज जाना था, हमें लास्ट संडे एक्चुअली जाना था, जो मैं फिर गई, बट फिर वो जाओ तो कुछ ना कुछ भूल के ही आते हो, हम कुछ भूल के ही आ गए। फिर अम्मी ने कहा अब ये भी तो चाहिए, ये भी तो लेना है, ये वो। फिर चलो, मैंने कहा चलो मैं वीकेंड पे ही जाऊंगी, अकेले नहीं जा रही अब मैं। तो अब मैं जा रही हूँ और ड्राइव कर रही हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और कॉन्सेंट्रेशन शेक ना हो इसीलिए हम बाद में बात करते हैं। अब आप लोग इंजॉय करें म्यूजिक और रास्ता।
तो मैं यहाँ पर रुक गई हूँ और देख रही हूँ कुछ समझ आ जाए तो ले भी लेंगे, क्योंकि मेरा गार्डन गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा उजड़ गया है एक्चुअली। तो कुछ फ्लावर्स भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है मैं कुछ खरीद लूँ तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखें पूरा ग्रीन 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 ग्रीन, कितना खूबसूरत है पीछे तक। चले फिर निकलते हैं, एक्चुअली ये रास्ते में थी तो मुझे नज़र आई और मैं रुक गई। तो जनाब घर आ गई हूँ मैं, और हमारा जाना बिल्कुल बेकार रहा, बिला वजह चले गए एक्चुअली। और ये मुसीबत जो है वो ख़त्म ही नहीं होके दे रही है कि वो सैटरडे संडे उन्होंने अपने कुछ पोर्शंस जो है वो बंद किए हुए हैं। अब हम चले तो गए बट फॉर हो गए, बिला वजह गए और मिला कुछ भी नहीं, खाली हाथ वापस आ गए। बट क्या कर सकते हैं अब, उन लोगों की जो पॉलिसीज हैं, पता नहीं किस पॉलिसी को देख के वो लोग ये चीज़ कर रहे हैं कि सारी चीज़ें खुली हुई हैं और ये जगह बंद हो। अब वो पता नहीं क्यों बंद की हुई थी उन्होंने। खैर अब हम तो हो गए ना फॉर उनके इस चक्कर में। चलें अभी लंच की तैयारी है, एक बज रहा है, एक सवा एक बज रहा है शायद, तो अभी मैं शायद खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि गर्मी इस कदर है। खिचड़ी, चटनी, रायता ये सब बनाऊँगी हल्का फुल्का सा, तो हो सकता है फिर मैं वो शूट करके आप लोगों को दिखा भी दूँ। खिचड़ी तैयार है, की चटनी है, मैंने टमाटर ले लिए छोटे हैं तो ये चार लिए, मैंने चार छोटे टमाटर ले लिए फ्रीज हुए हुए थे मेरे पास, थोड़ा सा लहसुन पिसा हुआ है, जीरा है, नमक, लाल मिर्च थोड़ी सी लिए और हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा ले ली है। ये तेज़ वाली नहीं है, ये नॉर्मल वाली हरी मिर्चें हैं, ये हो सकता है थोड़ी तेज़ हो बट ये हल्के मतलब समझ लें टेस्टलेस वाली है, तो मैंने ये ग्रीनरी के लिए इसको चटनी में ये हरी मिर्चें ले ली और अब हम इसको पीसेंगे और ये टमाटर की चटनी बनाते हैं।